गेम भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो गाइस बहुत सारे बंदे ONETAP मारना चाहते हैं लेकिन वो बंदे ONETAP नहीं मार पाते, या फिर अगर ONETAP मार भी लेते तो वहां पे उतना अच्छा खासा ONETAP नहीं मार पाता है, मतलब 10 में से 2 या फिर 3 लगता है और कभी कभार तो भाई ONETAP नहीं भी लगता है। तो भाई यहाँ पे क्या करे, क्या सोल्यूशन है जिससे हमारा ONETAP बहुत ही आसानी से वर्क करे। तो भाई ONETAP आपको मारने के लिए आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा ONETAP के एक्यूरेसी। हाँ भाई ONETAP के एक्यूरेसी को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। भाई वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने वहाँ पे मैग्नेट दिया था। तो भाई मैग्नेट से क्या होता है, मैग्नेट के आसपास जब भी कोई लोहे की चीज़ आता है तो मैग्नेट उसे अपने ओर खींच लेता है, मतलब पूरा कैच कर लेता है। भाई ऐसे ही हम लोग जब भी एनिमी को ONETAP मारने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा एम जो है एनिमी के बॉडी पे जाके चिपक जाता है और हमारा ONETAP वहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो भाई आपको ONETAP मारने के लिए आपको इंक्रीज करना पड़ेगा ONETAP के एक्यूरेसी। तो भाई मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग ONETAP के एक्यूरेसी को इंक्रीज कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर पाओगे और आप लोग अच्छे खासे ONETAP भी मार पाओगे बहुत ही आसानी से। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतना ही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो का हर एक जगह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे स्किप कर दोगे तो यार शायद आपका ONETAP वर्क नहीं भी कर सकता है। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और गाइस आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार हमारा टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो ONETAP के एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए हमारा जो सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स है ये है गन स्विच। देखो आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग ये समझो, आप लोग जब भी ONETAP के ट्राई करते हो तो वहाँ पे आप लोग पहले से ही हाथ में गन रखते हो और अपने एम को कर लेते हो रेड। तो भाई वहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी होता है ONETAP के, तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, वहाँ पे आपका ONETAP लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपको एनिमी दिख जाए तो वहाँ पे आपको गन स्विच करके ONETAP के ट्राई करना है, तभी आपका ONETAP लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे आपका एक्यूरेसी भी भाई 2 गुना इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग M500 यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोग हाथ में पहले से ही गन रख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग डेजर्ट ईगल, SVD, ड्रैगन ऑफ या फिर शॉर्ट गन कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले से हाथ में गन ना रखें। जब आपको एनिमी दिख जाए तब आप गन स्विच करके एनिमी को ONETAP मारने की कोशिश करो, तो वहाँ पे आपका ONETAP लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका वहाँ पे एक्यूरेसी डबल हो जाएगा। अगर आपने किसी प्रो प्लेयर का गेम प्ले देखे होगे तो भाई वहाँ पे देखना कि वो बंदा जब भी एनिमी दिखता है तब वो बंदा गन स्विच करके ONETAP का ट्राई करता है और वहाँ पे उसका ONETAP लगता भी है 100%। तो आपको भी ऐसा ही करना है, जब एनिमी आपको दिख जाए तो वहाँ पे आपको गन स्विच करके ONETAP मारने की ट्राई करना पड़ेगा, तो आपका ONETAP लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं हमारे सेकंड टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो भाई देखो यहाँ पे आपको करना है जंप। देखो भाई मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि भाई फीफर में जंप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई जंप के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें भाई जंप के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना जान लो कि आप लोग जब भी ONETAP के ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको एक बार कर लेना है जंप। भाई जंप करने से आपका जो एक्यूरेसी होता है ना ये भाई कहीं गुना इंक्रीज हो जाता है, आप लोग सोच नहीं पाओगे इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और आप लोग जब जंप करके ONETAP मारने की ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको ONETAP लगने का चांसेस भाई 100% से ऊपर है, क्योंकि एक प्रो प्लेयर हमेशा जंप करके ONETAP का ट्राई करता है। भाई जंप करके मतलब ये नहीं है कि आपका पैर ज़मीन से ऊपर रहेगा और उस वक्त आप लोग ONETAP की ट्राई करो, भाई ऐसा नहीं है। आप लोग जंप किए और आपका पैर जैसे ही ज़मीन पे आए उस वक्त आपको करना है ड्रैग, तो आपका ONETAP लगने का चांसेस भाई 100% बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से आप लोग बहुत ही आसानी से ONETAP मार पाओगे। तो अभी बात करते हैं हमारे थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि है सीट। भाई आप लोग खड़े होकर ONETAP मारने की ट्राई करते हो, आप लोग मूवमेंट में ONETAP मारने की ट्राई करते हो, मतलब रनिंग मूवमेंट पे ONETAP मारने की ट्राई करते हो, लेकिन आप लोग कभी सीट होके ONETAP मारने की ट्राई नहीं करते, मतलब आप लोग कभी बैठ के ONETAP मारने की ट्राई नहीं करते। लेकिन भाई अगर आप लोग बैठ के ONETAP मारने की ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी भाई डबल मिलेगा और आपका ONETAP लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा,
लेकिन भाई सीट होके वन टैप मारने का एक नुकसान भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। अगर आप लोग वहाँ पे सीट हो जाओगे और आपका वन टैप अगर वहाँ पे नहीं लगा और एनिमी अगर वन टैप के ट्राई करता है तो वहाँ पे वो आपको वन टैप मार देगा बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर आप लोग सीट होके एक ही बार में वन टैप मार दिए एनिमी को तो यार वहाँ पे कोई बात ही नहीं है, पूरा खेल खत्म है। तो भाई आपको एक बार सीट होके वन टैप मारने की ट्राई करना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा यहाँ पे, आप लोग कब सीट होके वन टैप मारने की ट्राई करो, जब वन वर्सेस वन हो जाए, मतलब आप भी एक है और एनिमी भी एक है, तो उस सिचुएशन पे आप लोग सीट होके वन टैप मारने की ट्राई कर सकते हो। या फिर अगर एनिमी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज में आ गया है तो वहाँ पे आपको पता है कि एनिमी उस ग्लोअल के पार है तो एनिमी यहाँ से आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा दूर में जाके बैठ के रहना और एनिमी जैसे ही आए वहाँ पे आप लोग वन टैप मारने की ट्राई कर सकते हो। तो भाई वहाँ पे आपका एक्यूरेसी भी डबल मिलेगा और वहाँ पे आपका वन टैप लगने का चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग एक बार ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो, उसके बाद मुझे बोलना आके कि ये ट्रिक वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हमारा जो फोर्थ टिप्स एंड ट्रिक्स है ये है रोटेशन रैग। हाँ भाई आप लोगों ने सही सुना, रोटेशन रैग। आप लोग जब भी वन टैप मारने जाते हो तो वहाँ पे आप लोग स्ट्रेट रैग यूज़ करते हो या फिर होल्ड रैग यूज़ करते हो, लेकिन आपको हमेशा रोटेशन रैग यूज़ करना है। रोटेशन रैग से आपको फ़ायदा क्या होगा सबसे पहले आप लोग ये समझो। तो भाई देखो, रोटेशन रैग अगर आप लोग यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपका एम एनिमी के बॉडी पे लॉक नहीं होगा। दूसरा चीज़, आपको वहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा। और आप लोग अगर रोटेशन रैक यूज़ करते हो तो भाई वहाँ पे आपका वन टैप लगने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक प्रो प्लेयर हमेशा रोटेशन रैक यूज़ करता है जिससे उसका एम भी एनिमी के बॉडी पे नहीं चिपकता, वहाँ पे उसको एक्यूरेसी भी मिलता है और वहाँ पे वन टैप लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करो हर बार रोटेशन रैक मारने की। तो भाई रोटेशन रैक के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है 2-3, भाई आप लोग देख सकते हो, हमारे चैनल पे ही आपको मिल जाएगा, तो यार वीडियो देख लेना। और भाई मैं आपको एक बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। तो भाई ये जो सारा खेल होता है ना एक्यूरेसी का, तो भाई यहाँ पे जो मेन चीज़ काम करता है वो है आपका एम। आपको एम के ऊपर पूरा डिटेल्स जानना पड़ेगा कि एम क्या है, एम कहाँ पे लॉक होता है, नहा होता है, सारा कुछ आपको जानना पड़ेगा। तो यार मैंने सारा कुछ डिटेल्स में वीडियो बना के रखा है यार, आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखा है। तो भाई इस वीडियो के बिल्कुल अंत में आपको वीडियो मिल जाएगा, यार वीडियो देख लेना। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलना। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यार आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तभी तुम्हारा भाई आगे जाएगा। तो गाइस फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।